वेलकम बैक टू आशाज कॉर्नर। तो कई दिनों बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आज का जो वीडियो है ना, इसके लिए आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा इन मिस को, मिस मिसेस जो भी हैं, और उनको मैं भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया और उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो आ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो अब तक का मेरे चैनल का फर्स्ट एवर वीडियो है फ्रॉम मीशो, मीशो ब्रा हॉल। ओके, तो होता क्या है कि ब्रा जो होती है मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ ज़िवामे से। ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है इसलिए मैं इसके अंदर किसी भी कंपनी का नाम ले सकती हूँ, आपको इसी बात से पता चल जाएगा। तो ज़िवामे से प्रेफर करती हूँ या फिर क्लोविया से। क्लोविया का स्टफ़ सस्ता होता है बट टिकाऊ नहीं होता, ज़िवामे का स्टफ़ एक्सपेंसिव होता है, टिकाऊ होता है और क्वालिटी टॉप नॉच होती है। तो उन्होंने सजेशन दिया कि आप मीशो से ट्राई कीजिए, क्योंकि ज़िवामे को यार हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। राइट नाउ जो मैंने इनरवेयर पहन रखा है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, 1300 समथिंग है। तो मैंने कहा यार ठीक है, ये भी हमारा काम है आप लोगों को अच्छे सजेशन देना। तो इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मैंडेटरी है। इसके अलावा कुछ छूट जाता है तो डेफिनेटली कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड है, अब आपके साथ में पैकिंग खोलना भी ज़रूरी है। देखो पैकिंग नहीं खोलूंगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई ये फ्रेश प्रोडक्ट है कि नहीं है। इस तरह से ये एक वाइट ब्रा है, वाइट असेंशियल है, मस्ट है, क्योंकि वाइट ऐसा है कलर होता है कि हमें ज़रूर 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 चाहिए होता है, क्योंकि कई बार हमारी कुर्तियाँ थोड़ी ट्रांजी होती हैं तो या टॉप ट्रांजी होते हैं उनमें से दिखाई देता है। तो इस तरह का ये एक ब्रा आएगा, ठीक है। ये एक सीम वाला ब्रा है, इसके अंदर कवरेज आपको फुल मिलेगी। जो फैब्रिक है वो कॉटन का होने के साथ साथ ब्रीथेबल फैब्रिक के साथ है। जो लोकल ब्रा हम लोग हमेशा बाय करते हैं उस तरीके की ब्रा है। अंदर की तरफ आप देखो साइज भी इस पर मेंशन किया हुआ है। इसका कप साइज मैंने डी बाय किया था और साइज है इसकी, ठीक है। हाँ, आपको बस साइज अगर आपका हैवी है तो भी आप इनसे बाय कर सकते हैं। साइज है इसका 42। तो जो बैंड है रेगुलर ब्रा की तरह है। फर्स्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं वो कुछ इस तरह से क्रिस क्रॉस पैटर्न में आएगा। इसके अंदर कवरेज आपको फुल मिलेगी। जो इसकी ये स्ट्रैप्स हैं ये नॉर्मल ब्रा में जो होती हैं मगर काफ़ी चौड़ी हैं तो डिग नहीं करेंगी आपकी शोल्डर्स में। और यहाँ पे आपको सीम मिलेगा तो जो इसका फिटिंग है कुर्ती के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। ब्रॉड बैंड मिलता है आपको यहाँ पे, देखो जो हमारे बल्जेस होते हैं ना, ये वाला जगह जो देखो कवरेज अच्छी नहीं होगी ना तो दो पार्ट अलग ऐसे दिखाई देते हैं, जो कि बहुत वियर्ड लगते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप प्लस साइज में हैं नो मैटर एवरीबडी, मतलब हर किसी को अपनी बॉडी से प्यार होना चाहिए, बट ये जो बल्जेस आते हैं ना यहाँ, ये चार दिखते हैं, ये अच्छे नहीं लगते टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए फुल कवरेज ब्रा। पहली ब्रा की मैंने आपको प्राइस बता स्क्रीन पे दिखा दूंगी और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वी नेक के शेप में है तो आपके जो ये एरिया है इसको अच्छे से कवर करेगा। बाकी ट्राई ऑन मैं दिखा दूंगी। इसके अलावा पर्सनल क्वेश्चन आपको अगर पूछने हैं तो प्लीज इंस्टाग्राम पे पूछिए, कमेंट मत कीजिए। इसके बाद दूसरे प्रोडक्ट को मैं दिखाने जा रही हूँ आपके साथ। ये क्या होता है कि हमारे जो प्लस साइज वाले होते हैं ना, उनके बल्जेस होना, यहाँ से पॉप आउट होना स्किन, ये बहुत आम सी बात है। तो हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए जिनके हैवी बस्ट हैं वो कोशिश ये करें कि उनका जो कवरेज है वो हाई कवरेज हो, ठीक है। ये देखो इसका जो फैब्रिक है ना, टॉप नॉच फैब्रिक है। इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई ब्रा पहन रखी है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। देखो मैं कैसे दिखा रही हूँ, स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। ये वाला फैब्रिक नॉन स्ट्रेचेबल है, ये वाला फैब्रिक स्ट्रेचेबल है। इसके अंदर भी फ्रंट में सीम मिलेगी तो जो सीम से क्या होता है कि जो फ्रंट की जो शेप होती है काफ़ी अच्छे से उभर के आती है। जो हमारे कई बार क्या होता है बस्ट में थोड़ा सा ढीलापन सा आ जाता है या कुछ भी होता है एज के अकॉर्डिंग, वो चीज़ इसमें क्या आती है, पुश करती है ऊपर की तरफ, तो थोड़े से ना पुश अप मिलता है तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसके साथ, ठीक है। स्ट्रेचेबल फैब्रिक, फुल कवरेज, यहाँ पर भी आपको चौड़ी पट्टी मिलती है। ये देखो ये वाली आपके बल्जेस को हाइड करेगी। फैब्रिक में कितना स्ट्रेचेबल, पहली बार थी स्ट्रेचेबल ब्रा देख रही हूँ। इसका जो बैंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। पहनने के बाद इसकी फिटिंग जो भी आएगी मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन करती जाऊंगी। और सीम के साथ साथ ना ये तीन का पैक आता है। इनकी जो रेट थी काफ़ी रीजनेबल थी। ये एक न्यूड है, ये एक ब्लैक है और एक ये ग्रीन है। तो तीनों मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, सभी के सभी हाईली स्ट्रेचेबल ब्राज हैं। यहाँ का जो ब्रांड है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है तो आपको गर्मियों में परेशान नहीं करेगा, ठीक है। फिटिंग इनकी मैं आपको स्क्रीन पे आप ट्राई ऑन देखते जाइएगा, आपको पता चल जाएगी। इन तीनों में से मैं एक ट्राई करूंगी और आपको बताऊंगी कि वो कैसा फील करवा रही है, ठीक है। फुल कवरेज है। आप ये वाला कप साइज देखो,
इस कप की तरफ ध्यान दो, कितनी अच्छे से ये बिल्डअप हो रखा है। ये जो कप है आपके पूरे बस्ट को कवर कर लेगा और बिल्कुल भी आपके जो स्किन पॉप आउट होती है वो नहीं होगी। यहाँ से पूरा ये नेक आपका कवर कर लेगा। देखो ये, देखो ये आपको राउंड नेक में मिलेगी। सामने वाली जो पहले वाली दिखाई थी व्हाइट वाली, वो वी नेक में थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सभी के सभी आपको लिंक चेक करना हो, कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको मैंने ऑलरेडी दे दी है, तो चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद मैंने मंगाई है एक और कॉटन की ब्रा, क्योंकि देखो ये भी हैवी बस्ट है, इसकी जो क्वालिटी है इन सबसे बेटर है। इसका जो बैंड देख रहे हो आप, देखो कितना ज़्यादा चौड़ा बैंड है इसके अंदर, इसका बैंड काफ़ी चौड़ा है। ये वाली चीज़ देखो कितनी ज़्यादा चौड़ी है। इसके फैब्रिक में भी आपको इलास्टिक बैंड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। फैब्रिक इसका नॉन स्ट्रेचेबल है, कप साइज पूरा है यहाँ पे। और इसका नेक देखो आप, कवरेज किसको कहते हैं वो आप इस चीज़ में देखिए। मैंने इस वीडियो में पूरा फोकस कवरेज के ऊपर किया है, क्योंकि अगर कवरेज ही नहीं होगी तो आपका क्या फ़ायदा मतलब ब्रा वगैरह पहनने का, अगर आपकी कवरेज नहीं है। कुछ यहाँ से दिख रहा है, कुछ वहाँ से दिख रहा है। आपने नायका का ऐड भी देखा होगा, कितने अच्छे से वो समझाते हैं कि देखो आपके बल्जस दिखते हैं। अगर बल्जस यहाँ से वहाँ से दिखेंगे ना तो वो सोफिस्टिकेटेड नहीं लगता बिल्कुल भी। आप कोशिश ये कीजिए, चाहे चीप पहनिए चाहे एक्सपेंसिव पहनिए, बल्जस पर ध्यान दीजिए, कवरेज पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये फुल कवरेज ब्रा आपको मैंने दिखाई है, ये देखो कितनी अच्छी कवरेज है। किसी भी एज की लड़की विमेन कोई भी इसे वेयर कर सकती है। कवरेज देखो कितनी प्यारी है, इसके अंदर पूरा आपका बस्ट कवर हो जाएगा। यहाँ से फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, तो आपका निप्पल शो भी नहीं होगा इसके अंदर। सीम इसलिए दे रखी है क्योंकि आपको बूस्ट मिलता है थोड़ा सा शैगी अगर आपकी ब्रेस्ट हो गई है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बैंड भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, तो ये ड्यूरेबल है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ज़िवामे के लोकल स्टोर से मैंने ब्रा की बाय की थी जीटी से जयपुर में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ब्रा को हमेशा हैंड वॉश कीजिए, हमेशा शेड में उनको ड्राई कीजिए, कभी भी मशीन में मत डालिए, उनसे क्या होता है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी ब्रास दिखा रही हूँ जो पे लिखा है कि 5 पीस कॉम्बो पैक ऑफ 100% कॉटन स्टाइलिश नॉन पैंडेड स्पोर्ट्स ब्रा। तो पैकिंग कुछ ऐसे आई थी, देखो बिल्कुल घटिया है। शिट यार, मतलब क्या है ये क्या है? देख रहे हो, मतलब कि 10 साल की बच्ची के लिए जो प्रोडक्ट भेजा जाता है ना, उस तरह का ये प्रोडक्ट है। छी, और ये यूज करके धोया हुआ, यूज हुआ हुआ, वॉश किया हुआ और रिटर्न किया हुआ प्रोडक्ट मेरे पास आया, कलर भी फेड है। मैं वीडियो ऑन है, गालियां भी नहीं दे सकते यार, देखो। छी, प्रॉपर फ्रॉड हुआ है। ये देखो ये दूसरा पीस है, इसलिए मीशो से मैं ट्राई नहीं कर रही थी यार। और साइज भी देखो 32 है। ये देखो क्या, ये क्या चीज है, ये ऐसा है। दो पीस ऐसे निकले हैं, 5 पीस का कॉम्बो था, मैं आपको दिखाते जाती हूँ। देखो ये तीसरा, ये कहाँ से स्पोर्ट्स वियर है और कहाँ से ये मेरी साइज का है। देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, बिल्कुल गंदे हो रखे हैं, मिट्टी विट्टी लगी पड़ी है, अंदर से दाग भी है। ये देखो दाग दिखा देती हूँ, ये देखो दाग दिखा दे। इतनी पुरानी तो मेरी 2 साल पुरानी ब्रा भी नहीं होंगी जितना पुराना ये स्टफ हमें सेंड किया गया। टोटली डिसअपॉइंटेड है, लिंक दे रही हूँ, कमेंट कर रही हूँ, स्क्रीन दे रही हूँ, कोड दे रही हूँ, बिल्कुल भी बाय मत करना इस सेलर से। और इसी प्रोडक्ट के लिए मुझे 4 दिन से इंतजार किया, वरना कब से मैं वीडियो शूट कर लेती। मेरा भेजा घूम चुका है इस वक्त, मतलब दिमाग खराब हो रहा है मेरा अब तो यार। अब 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट और दिखाती हूँ आपको। हाँ ये है पैंटीज, पैंटीज का भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। इसके साथ थैंक यू का कार्ड आया है, ये चाहते हैं कि हमें 5-स्टार रिव्यू दूँ और इनको ये मुझे कुछ बदले में कुछ कैशबैक दें। इस तरह की पैंटीज आएंगी गाइस, कॉटन की, जो इन्होंने पिक लगाई थी उसके अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल नहीं है, जो शनि बाजार में मिलती है ना उस तरह की पैंटीज है ये। देखो इस तरह की नॉर्मल जो पैंटीज होती वो हैं ये, कोई खास वाओ फैक्टर नहीं था इसमें। तो ये मेरी तरफ से तो बिग नो है, तो आपको अगर लेना भी है तो प्लीज़ यार कुछ अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करो, इस तरह से मीशो से पागल मत बनो। ये 70-70 रुपये 40-40 रुपये में मिलने वाली पैंटीज़ हैं और मुझे ये भी बिल्कुल पसंद नहीं आई, हाईली डिसअपॉइंटेड विद दिस प्रोडक्ट। और अब आप, मैं और क्या बता सकती हूँ, लास्ट प्रोडक्ट बचा है मेरे पास,
कि देखो मैंने अभी आपके सामने ही खोला, इनको यूज़ तक नहीं किया और प्रोडक्ट की हालत देखोगे ना आप, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही यूज़ किया हुआ पुराना मतलब स्टफ़ हमें सेंड किया गया हो। अब एक टमी वेस्ट करने वाली मतलब टमी टकर टाइप की एक पैंटी दिखाई दी थी मुझे मीशो पे, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि मोस्टली कमेंट्स आते रहते हैं मेरे पास कि आप टमी टकर का रिव्यू कीजिए। मैं टमी टकर ना पहनती हूँ ना उसको प्रमोट करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ है वो है, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप टमी टकर पहन लो, उसके बाद आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खाना पीना खाने में दिक्कत हो रही है, मूव करने में दिक्कत हो रही है, वो मेरे से नहीं होता। तीसरी चौथी चीज़ है कि यार मुझे अस्थमा है, ज़रा सी भी अगर मैं कुछ टाइट पहनती हूँ तो मुझे घुटन होती है, ब्रीथिंग अबनॉर्मल हो जाती है मुझे। मैं टमी टकर ना पहनती हूँ ना उसका रिव्यू कर सकती हूँ। ये इस तरह की एक पैंटी है मीशो पे दिखाई दी मुझे, जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि आपके टमी को हाइड करने का काम करती है। अच्छा, इसमें कोई जादू है? जो हमारे वो पूछ लटके हुए हैं वो अंदर चले जाएंगे? ओहो, सिलाई तो आपकी ढंग की है नहीं, खुल रही है यहाँ से। अंदर की तरफ देखो, इस तरह से ये वाइट कलर का कुछ फैब्रिक सा लगा हुआ है, यहाँ पे ये कुछ जालीदार ये जो चीज़ है ये स्ट्रेचेबल सी कुछ है, यहाँ पे ये चौड़ा सा वेस्ट बैंड है। देखो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आपको सुनाई भी दे रहा होगा शोर इस वक्त। ये इस तरह की वाइड बैंड वाली पैंटी आएगी पीच कलर में, तो इसका मैं ट्राई ऑन करूँगी डेफिनेटली, और आपको शेयर भी करूँगी कि ये कैसा लग रहा है पहनने के बाद। मेरा काम है प्रॉपर आपको रिव्यू देना, वो मैं करूँगी फॉर नो डाउट। बट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इनरवेयर ऐसी चीज़ है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन की कोई आपकी कुर्ती टॉप वगैरह, उस पर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छी जगह से बाय कीजिए, अच्छे से ट्राई करके बाय कीजिए, ओके। मैंने भी ज़िवामे का जो इस वक्त पहन रखा है वो मैंने स्टोर में जाके 5-6 प्रोडक्ट ट्राई करके उसके बाद सेलेक्ट किया, ऑल्दो मुझे एक्सपेंसिव पड़ा है बट कम्फर्ट वाइज बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने अभी सिंगापुर भी गई थी, वहाँ मुझे कई कई घंटे तक इसको पहन के रखना था, तो यार आप सबके सामने ऐसे से कर रहे हो फिर ऐसे से कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं लगता ना। तो थोड़ा सा चीज़ ये होती है कि कपड़े भले ही सस्ते हों आपके, बट आपके इनरवेयर अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ब्रीथेबल फैब्रिक के बने होने चाहिए, और आपकी जो कवरेज है उस पर बहुत अच्छे फोकस होना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और इन सब चीज़ों के लिए बिग नो है मेरी तरफ से, डोंट बाय। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल।